दोस्तों, फैंस हमेशा BTS से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कभी कभी फैंस अपने एक्साइटमेंट में BTS को ही हर्ट कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ था हमारे प्यारे क्यूट मोची यानी जिमिन के साथ। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों, BTS की ताइवान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने 9 जून को 2016 में वहां पर कॉन्सर्ट भी किया था। हालांकि दोस्तों, उस कॉन्सर्ट से पहले फैंस ने ही BTS को गलती से हर्ट कर दिया था। दोस्तों, एक्चुअली BTS जब ताइवान पहुंचे थे तब वो 8 जून को वहां पर अराइव हुए थे। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BTS जब भी किसी नई कंट्री में जाते हैं तो बहुत ही सारे फैंस एयरपोर्ट पर उनसे मिलने आते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दोस्तों, अब तो BTS की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके आसपास कर्ंट फैंस नहीं आ पाते। और दोस्तों, कई बार तो BTS एयरपोर्ट के दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं और इतने सारे फैंस को फेस करना उनके बस का नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस समय तो BTS की सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं थी, और 600 फैंस यानी 600 फैंस ताइवान के एयरपोर्ट पर BTS का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, जैसे ही BTS बाहर आए, 600 के 600 फैंस एकदम से BTS की तरफ भागे। और दोस्तों, इसी हसल में जिमिन बहुत ही ज़ोर से गिर गए थे। और दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे फैंस जो BTS के साथ खड़े थे वो भी गिर गए थे, और बहुत ही सारे लोगों को चोट भी आ गई थी। हालांकि दोस्तों, उसके बाद BTS का रात में एक इंटरव्यू भी हुआ था, और इस इवेंट से उनका मूड बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि जिमिन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। और वो तो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ साथ जो भी फैंस गिर गए थे, क्या वो ठीक है या फिर नहीं, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लग गई। दोस्तों, इसके साथ साथ जंगकुक थोड़ी देर बाद ताइवान पहुंचे थे और इंटरव्यू में नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर ने बाकी सारे मेंबर से पूछा कि क्या उन्होंने जंगकुक को वार्न कर दिया है कि एयरपोर्ट पे ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। जिसके रिप्लाई में जेहोप ने हंसते हुए कहा कि हमें जंगकुक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर कोई उन्हें धक्का भी दे दे तो जंगकुक गिरने नहीं वाले, बल्कि जो जंगकुक को धक्का देगा उसे ही चोट लग जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ बोलने के बाद सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे, लेकिन बहुत ही सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिमिन कह तो रहे हैं कि उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन जिस तरह वो गिरे थे उससे साफ पता चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी। तो दोस्तों, क्या आप BTS के इस इंसिडेंट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।